परफेक्ट जिंजर शॉट। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज एक और ग्रो योर ओन की, मुझे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपने एक अदद जो है वो ग्रो योर ओन की सीरीज़ स्टार्ट की थी और वो कहाँ चली गई है। तो कहीं नहीं गई बेसिकली, वो मैं कुछ चीज़ें ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। तो जब तक मैं खुद ग्रो नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए कुछ चीज़ों को मैं ग्रो करने में लगा था। और आज हम बात कर रहे हैं जिंजर की, अदरक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक सब्ज़ी हमारे किचन के अंदर मौजूद होती है और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे होते हैं। मतलब आप सिर्फ खानों में नहीं डालते बल्कि जूसेस वगैरह के अंदर, और इसको एक तरह से जो कहना चाहिए कि जी देसी टोटकों के अंदर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी चाय वगैरह के अंदर भी इसको, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर उस पर हम कभी और जो है वो बात करेंगे, एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह कि कौन कौन सी जो है वो हम वेजिटेबल्स या कौन कौन से जो प्लांट्स हैं हमारे लिए वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो वो बात चलती रहेगी इंशाल्लाह। बट आज बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से जिंजर को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं, ये मेरे पास एक प्लांट मौजूद है और ये पूरा का पूरा मैंने खुद से जो है वो मतलब ग्रो किया है बिल्कुल बेसिक से। मतलब कि ये जो, जिस तरह से अगर आप ये देख सकते हैं, बेसिकली ये एक अंडरग्राउंड रूट होती है। जिस तरह से अगर आप ये देख सकें, ये राइजोम होता है जो कि मिट्टी के नीचे मौजूद होता है, और ये इसका प्लांट है। इसके नीचे जो इसकी जो रूट्स होती हैं, राइजोम्स जिनको कहा जाता है, अंडरग्राउंड रूट्स, वो ये इस तरह से जो है होती हैं और यही हमारी जो है वो काम आती हैं। अब मैंने ये जो ग्रो किया है, ये सारा का सारा इसी तरह से बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो ये ग्रो किया है, और अभी आप इसका देख सकते हैं ये प्लांट मौजूद है। तो थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है और मैं ये आ गया हूँ आपके पास कि ये मैं इसे शेयर कर सकूँ कि आप भी जो है वो इसे ग्रो करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे ग्रो करने की कोशिश की थी तो मैंने पानी के अंदर जो है वो इसको रीग्रो करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसीलिए मैंने उसे जो है वो, अगर आप यहाँ देख सकें इसके अंदर, तो इसकी आइस से जो है वो काफ़ी सारी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिर मैंने इसे मिट्टी के अंदर जो है वो ट्राई करने की कोशिश की, तो इसी तरह का मैंने एक छोटा सा जो है वो पीस ले लिया था जिंजर का और उसको मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया था। और अब उसका जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और मैं अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा सकूँ डे बाई डे की इसकी प्रोग्रेस, तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से जो है वो आपको प्रोग्रेस देखेगी वहाँ पर। तो चलते हैं आपको मैं और सारी चीज़ें जो है वो इसकी डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, बहुत ही आसान सा काम है। आपने नंबर वन, आपने जिंजर सेलेक्ट करना है, एक अच्छा पीस आपने सेलेक्ट करना है। अब वो कैसे होगा, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा पीस होना चाहिए, कोई छोटा पीस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस उसमें ये देखना है कि उसके अंदर आइस ज़्यादा होनी चाहिए। आइस वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से उनकी ग्रोथ होती है बेसिकली, तो ये आपने जो है वो काम अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने इस तरह का एक पॉट सेलेक्ट करना है जो कि विड्थ के अंदर जो है वो ज़्यादा हो, मतलब उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रूट है और रूट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो ये नीचे की तरफ ग्रो नहीं करती बल्कि ये आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसीलिए मैंने ये एक प्लास्टिक बॉक्स जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, बॉक्स भी कह रहे हैं इसको, पॉट भी कह रहे हैं। इसके अंदर मैंने पॉटिंग सॉइल जो है वो ऐड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर इस तरह से आपने सिंपली इसको रख देना है। और ये चीज़ आपने देखें, जैसे यहाँ पर ये देखें ये पॉइंट्स हैं, तो ये इसकी आइज़ हैं बेसिकली, और यहाँ पर इसको मैं इस तरह से रख दूँगा। कोई इसके अंदर बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है वो सॉइल ऐड कर देनी है, कोई स्पेशल सॉइल नहीं है, सिंपल जो आपके पास अवेलेबल है वही सॉइल आपने इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से आप अपना जो भी पॉट सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, उसके अंदर आपने जो है वो जिंजर रख देना है अपना पीस, और ऊपर से एक लेयर आपने बना देनी है जिंजर की कि वो बहुत ज़्यादा नीचे भी ना पड़ी रहे और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो। तो एक छोटी सी आपने लेयर बना लेनी है, इस तरह से आपने उसको पानी डाल देना है फर्स्ट टाइम। तो ये काम आपका इतना सा है, फिर आपने इंतज़ार करना है, और इंतज़ार करके आप देखेंगे कि आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं पहले ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ डे बाई डे की आपको प्रोग्रेस, तो इस तरह से इंशाल्लाह आप करें। आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन सा आपको जो है वो प्लांट ग्रो होते हुए देखेगा इंशाल्लाह। आप यहाँ पर इसको जब आप देखें कि इसके इस तरह से लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, फिर आप इसको सनलाइट के अंदर रखें तकरीबन 4 से 5, इसको डायरेक्ट घंटे की जो है वो 4 से 5 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट दें आप, तो इस तरह से इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ मज़ीद और अच्छी होती रहेगी। पानी आपने इस वक्त देना है जब आपको सॉइल इसकी ड्राई होती हुई दिखे, तो जब ड्राई सॉइल हो तब आपने इसको पानी देना है। फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, मैंने अभी तक इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। ये बिल्कुल आपको सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ जो आप घर पे खुद कर सकते हैं, कोई इसके अंदर स्पेशल चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।